हेलो फ्रेंड्स, लव ट्यूब्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि तीन ऐसे काम हम करेंगे जिसकी बदौलत कोई आपको इग्नोर नहीं मारेगा। दोस्तों, अक्सर हमें आसपास की सोसाइटी में कोई तो ऐसा होता है जो इग्नोर मारता है। कई बार लड़कियां या तो फिर कोई लड़का हमें इग्नोर मारता है तो बहुत ही बुरा लगता है। हमें लगता है कि ऐसी कौन सी कमी हमें रह गई है जिसकी बदौलत सामने वाला हमें इग्नोर मार रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का इंटेंशन यही होगा कि मैं साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, प्रैक्टिकली बातें बताऊंगा कि जो कोई इग्नोर मार रहा है तो उसको कैसे ठीक करे, या तो फिर ऐसे कौन से काम करे जिससे हमें कोई इग्नोर ही ना मारे, या तो फिर इग्नोर मार रहा है तो क्या करना चाहिए। ये सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में देने वाला हूँ। आज का वीडियो बहुत ही काम का है, पूरा वीडियो देखकर भरपूर फायदा लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो समझ लीजिए दो बातें हो सकती है। तो उसमें नंबर वन पे जो है वो है, अगर कोई आपको इग्नोर मार रहा है और उसके बाद नोटिस भी कर रहा है, यानी कि आपका पार्टनर है, आपको पहले इग्नोर मारता है फिर देखना चाहता है कि उसका क्या रिएक्शन है, वो क्या रिस्पॉन्ड करता है, वो कुछ करता है या भी नहीं। तो अगर इग्नोर मारने के बाद नोटिस कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात हो सकती है। ये इग्नोर, अगर ऐसा इग्नोर आपके संबंध में है तो ये प्यार को चेक करने के लिए इग्नोर मार रहा है। सामने वाला चेक करना चाहता है कि आप कितना प्यार कर रहे हैं, अभी भी प्यार करते हैं या नहीं, या तो फिर कहीं ना कहीं आप उनको पसंद करते हैं या नहीं। तो ये नोटिस वाला इग्नोर हो गया। अब नंबर दो पे जो है वो है, इग्नोर मार के उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, यानी कि वो इग्नोर मार रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, वो ठीक है इग्नोर मार रहे हैं, उनको कुछ पड़ी ही नहीं है आपकी। तो ऐसा इंसान कोई क्यों करेगा? क्योंकि वो चाहता है कि वो आपसे ना मिले, आप उनसे ना मिले, आप उनसे दूर ही रहे, आपसे पीछा छुड़वाना चाहता है। तो मैं यहाँ पे वीडियो में कहना चाहूँगा, ये दोनों बातें पहले आपको नोटिस करनी होगी, ये दोनों में से कौन सा इग्नोर आपके साथ हो रहा है, उसके बाद ही मैं आपको अब टिप्स बताने वाला हूँ, वो आपको एक एक करके काम की आएगी। अब चलिए नंबर वन पे जो कैटेगरी है उसकी टिप देख लेते हैं, इग्नोर प्लस नोटिस। उसमें क्या करना है आपको, अगर आपका पार्टनर चाहता है वो इग्नोर करे, आपका पार्टनर और भी चाहता है कि वो नोटिस भी करे, तो उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करे। हाँ दोस्तों, यही टिप है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्ट करना है। वो चाहता है वही करना है, वो चाहता है वैसे ही करना है, क्योंकि दोस्तों उसमें ही आपका प्यार ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ चेक करना चाहता है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो नोटिस इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो इग्नोर मार के देखना चाहता है कि क्या आप उनको अभी भी देख रहे हो या तो फिर प्यार कर रहे हो, वो प्यार को एक तरह से चेक करना चाहता है। तो आपको उसको अकॉर्डिंग एक्ट करना है। अब नंबर दो की जो कैटेगरी है उसमें आपको क्या करना है, और ज़्यादातर का यही प्रॉब्लम होता है कि कोई इग्नोर मार रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाना है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करें। हाँ दोस्तों, ये अपने दिमाग में बात बिठा लीजिए, नॉर्मल इंसान की तरह आपको शो करना है, आपको कोई असर नहीं हो रहा है ऐसा दिखाना है। अब जब आप खुद नॉर्मल हो ऐसा दिखाते हो तो सामने वाला खुद डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं इग्नोर मार रहा हूँ, मैं इतनी कुछ कर रहा हूँ तो सामने वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो वो खुद अंदर ही अंदर घुटन महसूस करेगा, अंदर ही अंदर जलन महसूस करेगा। यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी, आपको सामने से जाकर पूछना नहीं है तुम इग्नोर क्यों मार रही हो। तो अगर ऐसा पूछा तो आपके रिलेशन और ख़राब हो सकते हैं, या तो फिर वो सामने वाला आपकी ऐसी तैसी करके चला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस कैटेगरी में, इस केस में आपको क्या करना है, आपको कोई इग्नोर मार रहा है तो आप नॉर्मल है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा दिखाना है। अब दोस्तों, सवाल ये होता है कि ये दोनों ही केसेस हो तो क्या कर सकते हैं, यानी कि इसमें दोनों ही केसेस में सेट हो सकता है, ऐसा मैं एक सॉल्यूशन देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, आप भी इग्नोर मारना स्टार्ट करें। हाँ दोस्तों, आपको भी इग्नोर मारना है, इग्नोर मारते रहना है, और कभी कभी बीच में ऐसा बोलना भी है कि स्टॉप इट या तो फिर इट्स ओवर, ऐसे शब्द के इस्तेमाल से सामने वाला बौखला जाएगा, तकलीफ़ में आ जाएगा, घुटन महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि आपने कह दिया कि ठीक है अब इग्नोर मारना ठीक होगा, हमारे रिश्ते को ही हम ख़त्म करते हैं, प्यार है ही नहीं, तो मैं एक तरफा प्यार कर रहा हूँ और आप इग्नोर मार रहे हो, इसका कोई मतलब ही नहीं, इट्स ओवर, स्टॉप इट, ऐसे शब्द का बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और भरपूर इग्नोर मार सकते हैं उनको। कोई मजाक ही मत दे, कोई रिस्पॉन्स ही ना दे, उनको बस इग्नोर करें। क्योंकि दोस्तों, जब वो इग्नोर कर रही है तो आपको तकलीफ़ हो रही है, तो जब आप इग्नोर करेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ होगी। तो दोनों केसेस में आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि क्या अभी आपको कोई इग्नोर मार रहा है और आप क्या कर रहे हो। इसके अलावा कोई आपके पास टेक्निक है तो मुझे बताइए, मैं वीडियो के थ्रू लोगों को बताऊँगा। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें,
आप शेयर क्यों करेंगे? क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि कोई आपको इग्नोर मार रहा है तो कितनी तकलीफ होती है। तो किसी और को कोई इग्नोर मारता होगा तो उसको के लिए तकलीफ होती होगी, तो उसके पास कोई सॉल्यूशन ना हो तो उसके साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।